ये आ गई जी बड़ी बड़ी बोटियां, ये बोटियां आ गई, ये बोंग की बोटी आ गई, बोंग की बोटी आ गई, क्या बात। ये आ गया है जी हमारे लिए देसी घी और ये गया नहारी में। हाय 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 देख रहे हो आप क्या जबरदस्त जो है घी के छींटे उड़ रहे हैं। आपका भाई खाने आया है जाफराबाद चौहान बागड़ में नूरा नहारी, जो बाड़ा इंदुराव की फेमस 50 साल पुरानी नहारी है। आज आपका भाई जाफराबाद में खाने आया है और आपको दिखाने आया है नहारी कैसी है इनकी। रोगन हाय हाय बेहतरीन बढ़िया था। और ये कुछ इन्होंने ऑफर दे रखी है 70 रुपए की हाफ प्लेट, फुल प्लेट लेंगे 130 की, उसपे मक्खन का तड़का फ्री। सही है भाई। इस वक्त मैं नूरा नहारी पर जाफराबाद पे और सामने बैठे हुए हैं अयाज भाई। अयाज भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई बढ़िया। थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ी नहारी दिखा दीजिए, नूरा नहारी जो जाफराबाद में खुली है। ये देखो जी नहारी का आप टेक्सचर देखो और गोश्त देखो, क्या बात है जी। बड़े बड़े पीस हाँ जी। ये लगभग 2.5 से 3 किलो का एक पीस होता है नहीं जी? जी। और ये पक पक के जो है घुल जाता है, घुल जाता है। और इसमें भी बोटी पड़ी हुई है और जैसे बोंग की बोटी होती है, बोंग की बोटी हम लोग इसमें रखते हैं अलग से निकाल के, इस भगोने के अंदर डाल देते हैं आप। बोंग की और अदले की इस भगोने से निकाली, देख में गई और देख से निकाली, भगोने में गई। ये नरोटे का पीस जी, ये नरोटा, नरोटे की बात ही अलग है। जब तक नहारी में नरोटा ना जा नहीं, ये नरोटा, नरोटा में क्या नहीं है। और ये आ गई जी ढेर सारी नली, वाह जी बेहतरीन दिख रही है जी, बेहतरीन मजा आ गया जी, क्या बात है जी। तो जी मैं आपको इनका साइनेज भी दिखा देता हूँ। ये है नूरा नहारी का साइनेज, आपको आना है इस जगह पर। बाड़ा इंदिराव में खाते हैं तो वो नीचे बैठ के खाते हैं दरी पर, नहीं खुश नसीब लोग होंगे जो नूरा नहारी पे चेयर पे बैठ के खाएंगे, चेयर पे बैठ के खाएंगे। ये देखो जी ये नहारियाँ निकल निकल के जा रही हैं। ये गया मसाला इसके अंदर और ये गई हरी मिर्चें, क्या बात है। आप सभी लोग जानते हैं जो नहारी के शौकीन हैं, नहारी के आइकॉन कहे जाने वाले नूरा नहारी वाले अब जाफराबाद में भी आ गए। भाई एक बात बताइए मुझे, जैसे नूरा नहारी का नाम है यार, आप डेक पर बैठे हो तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है अल्लाह की शुक्र से। सही है, आप लोगों की दुआएं और आप लोग बहुत वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो डेक कितने बजे खोलते हैं आप? डेक हम खोल देते हैं 6:15 पे खोल देते हैं, हाँ हाँ, और 9:30-9 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। एक बात बताइए कि जो यहाँ पे जाफराबाद में टेस्ट आपको मिला है नहारी का और बाड़े में आपने खाया है, तो सेम टेस्ट है उससे अच्छा है या उससे 19 है? नहीं बिल्कुल जी सेम टेस्ट है, जो बाड़े में खाते हैं वही टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम। दूसरी ब्रांच जाफराबाद, जाफराबाद तो थोड़ा सा नहारी की शक्ल तो दिखा दीजिए हमें। बेहतरीन कलर दिख रहा है नहारी का, जैसे हम बाड़े में देखते हैं, बढ़िया लग रही है आयत भाई जी। इसी टाइप की बोटियां होती है जैसे नरोटा, बोंग। ओहो ये आ गई जी बड़ी बड़ी बोटियां, ये बोटियां आ गई, ये बोंग की बोटी आ गई, बोंग की बोटी आ गई, क्या बात है जी। अदले की बोटी नली, सही है बेहतरीन जी। और बता दूं ये जितनी भी बोन मेरो है नली और ये गोश्त सारा जो है बफलो का है, बड़े की होती है और यहाँ पे लगा हुआ है ढेर सारा रोगन। भाई इसमें भेजे हैं क्या? वैसे होते हैं भेजे होते हैं। तो इसमें क्या बोटियाँ रखी हुई हैं? फिलहाल बोटियाँ हैं। अरे तो बोटियाँ तो दिखाने वाली हैं भाईजान। ये देखो जी ये आ गई हैं और बोटियाँ, ये देखो जी इसको बोलते हैं नरोटा और अदला, क्या बात है जी। तो ये नूरा नहारी जाफराबाद की, जो अब पुरानी दिल्ली की जाफराबाद में भी मिल रही है। और ये है नली,
ये है नूरा नहारी। जब देग में से निकलती है ऐसी सादी रहती है, इसके अंदर ऊपर से नली डाली हुई है, फिर इस पर चुटकी भर ये गरम मसाला डाला जाता है, उसके बाद जो है हरी मिर्चें और अदरक डाली जाती हैं। जिसे नहीं खाना है वो सादी भी खा सकता है बिना अदरक हरी मिर्चों की। ये गई जी नली ढेर सारी। ये देखो जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल डालो अदरक हरी मिर्च मसाला सब डालो इसके अंदर जो डलेगा। ये गई जी चुटकी आयत भाई के हाथ से। वाह जी वाह। ये आ गया जी हमारे लिए देसी घी और ये गया नहारी में। हाय हाय देख रहे हो आप क्या ज़बरदस्त जो है घी के छींटे उड़ रहे हैं। भाई खाने आया है जाफराबाद चौहान बागड़ में नूरा नहारी, जो बाड़ा इंदौराव की फेमस 50 साल पुरानी नहारी है। आज आपका भाई जाफराबाद में खाने आया है और आपको दिखाने आया है नहारी कैसी है इनकी। वैसे तो हमारी पुरानी वीडियो डली हुई है बाड़ा इंदौराव की, ऑलमोस्ट उसे 30 लाख लोग देख चुके हैं, तो सोचा आज यहाँ की भी नहारी आपको दिखाई जाए। हमने अपने लिए ये फुल नहारी मंगा ली है, इसके अंदर ढेर सारा देसी घी भी डलवा लिया है, नली हरी मिर्च और जो है गरम मसाला। ये आ गई है खमीरी रोटी सीखी हुई करारी करारी। अब हम इस नहारी को इस रोटी से खाएंगे, चलिए बिस्मिल्लाह करते। ये देखिए जी, ये आ गया है ढेर सारा गोश्त और ये इसके ऊपर नली डली हुई है, अदरक हरी मिर्चें हैं और ये नरोटा है। क्या बात है जी, एक इन्होंने रेशेदार बोटी डाली है और एक डाली है अदले की बोंग की, जिसे हम शेंग का पीस भी बोलते हैं। तो ऊपर ढेर सारा घी ही घी तैर रहा है, ढेर सारे मसाले के साथ एक जम्बो बाइट ले लेता है आपका भाई। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो यहां पर बैठ के खाने वाला कोई भी ये नहीं कह सकता ये बाड़ा इंदौराव की है या जाफराबाद की है। मुझे बाड़ा इंदौराव दोनों का सेम टेस्ट लगा, बस यहां पे मुझे हल्की सी स्पाइसी ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं भी यहां के लोग मांगते हूं। बाकी टेस्ट बिल्कुल वही है जैसा इनका स्पाइसी होता है। इसमें देसी घी ज़्यादा डला हुआ है और ऊपर से रोगन भी है, तो काफ़ी ऑयली लग रही होगी देखने वालों को, लेकिन नहारी के अंदर जो मज़ा होता है ना इसी चीज़ का होता है। जंबो बाइट लेगा नूरा नहारी की। जैसे मैंने आपको बताया मसालों की बात करूं तो मसाले बेहद शानदार हैं, उसी तरीके से हैं जैसे कि इनके बाड़े के अंदर डाले जाते हैं, हल्के से स्पाइसी और गोश्त भी काफ़ी टेंडर है, खाने में लाजवाब है। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है और रेशा रेशा जो है इस गोश्त का बिल्कुल अलग हो रहा है, उठाया भी नहीं जा रहा है ठीक से। इनके नहारी के मसाले शानदार होते हैं, स्पाइसी होती है, गोश्त बिल्कुल मुलायम होता है और जब इस पे ऊपर से गरम मसाला डाला जाता है और उसके बाद इसमें अदरक हरी मिर्चें डाली जाती हैं तो इसका मज़ा और दुगना हो जाता है। जो लोग नहारी के शौकीन हैं जाफराबाद से, शाहदरा से या लोनी से बाड़े जाते थे, अब उनके लिए जाफराबाद में एक कन्वीनियंट हो गया, आराम से खा सकते हैं बैठ कर। ये थी जाफराबाद की नहारी, लेकिन आप जाफराबाद आओ और यहाँ के अलग अलग मुख्तलिफ जायकों का मज़ा ना उठाओ, ये तो हो नहीं सकता। कबाब मिल रहे होंगे तो थोड़े से कबाब भी खाएंगे। क्या ऑफर लगा रखी है आपने माशाल्लाह, जाफराबाद में आए हैं लोगों के लिए नई नई ऑफर निकाली है कि फुल नहारी में मक्खन का तड़का फ्री। तड़का फ्री जी, क्या बात है जी। और यहाँ पे मक्खन गरम भी हो रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। हाँ जी डाल दिया बेटा, ये देखो जी नहारी में मक्खन भी डाला जा रहा है, तो जी ऑफरें भी चल रही हैं नहारी के साथ साथ, बढ़िया है जी। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सारी डिटेल है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, जिसने आना हो वो यहाँ पर देख कर आ सकता है। मैं नूरा नहारी खाने के बाद सीधा आ गया हूँ काशी भाई के कबाब, जिनके कबाब मुझे बेहद पसंद है, तो चलिए अब कबाब खाते हैं। नूरा नहारी हम खाकर आ गए हैं, दूसरे हैं ये काशिफ भाई के कबाब। ये बूचर शॉप है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोपहर में जो है बफलों का गोश्त मिलता है और शाम में जो है कबाब मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हो कबाब बेहद शानदार तरीके से लगे हुए और इतने बढ़िया इनके मसाले होते हैं और इतना करारा करके इनको सेक दिया जाता है ना कि उसकी बात ही कुछ और है।
बिल्कुल सीख पे चिपके हुए होते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है कबाब निकाले जा रहे हैं। ये देखिए ये क्रीम प्याज डल के जो है कबाब आ गए इस, और ये गया इस पे ढेर सारा मक्खन। एक कबाब कितने का है चाचा? एक कबाब 35 रुपए का, 40 का रोल है। एक कबाब 35 रुपए का है, 40 रुपए का रोल है। और ये देखिए जी इस तरीके से जो है यहाँ पे कबाब लोग लेते रहते हैं, और ये कबाब निकाल के यहाँ रख दिए हैं। और आ गए जी गर्मा गर्म, ये देखो जी और आ गए गर्मा गर्म। क्या बात है जी, कितने पैक कर रहे हो दोस्त? 6 कबाब पैक होके जा रहे हैं। ये देखो जी ऐसे सीखें आती रहती हैं और यहाँ पे कबाब निकलते रहते हैं। ढेर सारा बटर डाल दिया जाता है, पैकिंग में भी बटर है, सही है। और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म कबाब, ये देखो बस निकाले जा रहा है भाई, निकाले जा रहा है हमारा। हाँ भाई ये दबा के पैकिंग चल रही है, देखो आप रायता भी डाला जा रहा है, मक्खन भी और प्याज भी। क्या बात है। और ये गई क्रीम ढेर सारी। 4 कबाब लिए हैं, 35 रुपए का एक कबाब है। हालांकि ये जो है अपने कबाबों के अंदर प्याज, रायता, मक्खन, मसाला सब डाल के देते हैं, पर मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डलवाया है। मुझे जो है सादे कबाब पसंद है, क्योंकि इनका गोश्त काफ़ी अच्छा होता है, और गोश्त के अंदर जो कीमे में इन्होंने मसाले मिला रखे होते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। बेहद शानदार कबाब होते हैं, तो मैंने सादे कबाब लिए हैं। बेहद शानदार तरीके से जो है कबाब सिके हुए, नॉर्मली हर जगह पे इतने सिके हुए नहीं होते। अब मैं आपको एक कबाब दिखा देता हूँ अंदर से, ये देखो जी भरपूर कीमा है, और अभी आपने देखा भाई ने सीकों पे से उतार के दिया है गर्मा गर्म। तो चलिए एक बाइट ले लेते हैं। मैं बराबर में भाई की शूज़ की शॉप पर आ गया हूँ। जूसी कबाब होता है इनका, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ क्या लग रहा है यार, काफ़ी भारी कबाब होता हैवी कबाब, मतलब वज़न में काफ़ी भारी। 35 रुपए का एक कबाब है। जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो मैंने इसमें बटर डलवाया, ना रायता, ना ही प्याज। इनके जो कबाब का गोश्त होता है काफ़ी जूसी होता है, हल्का सा स्पाइसी और फ्लफी कबाब होता है, जो ऐसे ही रूखा खाने में मज़ा आता है जैसे मैं खा रहा हूँ। आजकल लोग बाग जो है ना क्रीम और मक्खन के चक्कर में अच्छा जायका खाना भूल गए हैं। कबाबों के अंदर भी मक्खन डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। कबाब खाए जाते हैं हरी चटनी के साथ और प्याज के साथ, जो अमूमन दुकानों पे मिलती नहीं है, इसी वजह से मैंने डलवाई नहीं है। कबाब बेहद शानदार है, मैं कबाबों के मज़े लेता हूँ, आप वीडियो के मज़े लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।